घर वाले ने तेरा करके दे दिया, चल रखा सर तेरा उत्ते। जस्सी आ यो यो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सीन कुछ ऐसा है गाइस कि अभी है जी मगरब का टाइम और आपका भाई नमाज पढ़ के वेला हो चुका है जी। वेला होने के साथ साथ हमने नमाज पढ़ ली है और अपनी वर्दी उससे पहले धो के डाली थी। ये हमारी वर्दी है यूनिफॉर्म, इसको कहते हैं जी पंजाबी के अंदर जी वर्दी। हम तो हमारे ये गाँव का व्यू देखें जी, स्मोक होने लगी क्योंकि उधर फसलें वगैरह हैं ना, तो कैसा अच्छा प्यारा व्यू लग रहा है जी, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने भी नमाज की मगरब अदा की है ऊपर ही, मैंने और ऐसा ने जी सोचा है कि हम ऊपर आग जलाएंगे और इसके ऊपर तवा रख के ऊपर रोटियां बनाएंगे। सही बात है ना भाई, ऐसा ही करेंगे हम। तो मैं और ऐसा ऊपर है, हमने काफ़ी देर का जो पालन वगैरह हमने इकट्ठा किया था। सर्दी बहुत है, सर्दी भी है ऊपर से। ये यार आग ऐसा तुम्हें नहीं जलानी आ रही यार, ऊपर वो छापर पड़ा है ऊपर यार, छापर तुम्हें क्या उत्ता ला, तू मने मेरी गल उत्ता मिल गया है। उत्ता मतलब कि हमारे यहाँ पे जंगली में बोलते नहीं है कि हम तो यार उर्दू बंदे हैं यार, ये हम ये से जहाँ आ गए हैं यहाँ लोग जंगली बोलते हैं, वो मेरी दुबान पे चढ़ गई है यार। अब उत्ता का मतलब कि उत्ते उत्ता। सेटअप हो चुका है, हमने तवा ये पेरे हो रहे हैं इधर, तो ये जो पेरे हो रहे हैं और ये खुशका वगैरह, और ऐसा भाई आग जला रहे हैं, मैंने तवा पकड़ा है। तवा रख दूँ भाई जी? अच्छा तेन पढ़ा कहने तुम लगे तेन चाहिए भाई, उन्होंने कहा मैं शर्म नहीं खा रहा, वो तवा सैड पर रखी है ना। तो गाइस रोज कुछ नया करना पड़ता है व्लॉग के लिए जी, और रख यार ऐसा ना जरा प्या पड़े उत्ते रख इन। हाँ बस ठीक है, हूँ ना रखी कुछ भी, हूँ बस ठीक हो गया, आग जल गई है। तवा रखना बस, तू तवा साफ करो जी, तवा हो गया साफ, तवा तो साफ ही था थोड़ी सी चीज़ सब। तो मेन चीज़ लिया नहीं की हम रोज आग जलाया करेंगे। घर वाले ने पेरा करके दे दिया, चल रखा सर तेरा उत्ते, रख यही रखना है पुत्ते, सही तरह पूरा करके दियो जी घर वाले हो पेरा। तो ब्रीक करो, चल रख उधर, चल रख जस्सी आ के ऊपर रोटी आज बनेगी हमारे घर खुद, तवा गरम है। मोटा मोटा बालन ला पड़ो, मोटी लकड़ लाएगा ना उधर कोले ना, सलो सेक भी हुंदा रहेगा नाले अग भी जल्दी रहेगी, पर मोटी लकड़ आ हुई आ चीज लाई दी अगे ऐसे रोटी सिकेगी और रोटी माड़ी पक्के फूल जाएगी। आह ओए जालम रोटी ऐसे भाई बन रही है यार, आप तो शेफ हो। ये रोटी बन चुकी है हमारी, ये देखें जी कितनी प्यारी रोटी बनी है अल्लाह के फजल से, और ये हमारी दूसरी रोटी चढ़ चुकी है जी। ऐसा बड़ा मिनो बना दे छड़ दे हूँ, तो मैं ऐसे बैठा हूँ जी, ऐसे पैरों भार बैठा हम कच्ची है और चंगी पलिए तू तेन सेकनी नहीं आती है। हम कहते हैं रोटियां बना के आपको सेटमेंट करके सारा मिलते हैं जी, यहाँ पे हमने रोटी बनाया करनी आज। मरी का गोबर मैं पाथियाँ लेने आऊँ, हमारी खाला जो पाथी है जी पाथी है, मेरे साथ मेरा कजन है छोटा फहद, सुखियाँ सुखियाँ ले रहे हो जी पत्थ पक जैसे। ये गोया ये पंजाबी लोगों के काम बड़ा आता है, ये गोया शेर क्यों फादू आवा तो गिली है। चलो कोई नहीं, बथेड़ी ने इतनिया बथेड़िया ने जाने ही अपने घर के पाथियाँ लेके आ गया था, तो ये पाथियाँ लगाई हैं ये इतनी देखी। रोटी देखी रोटी की सही बनी है, प्यारी बनी है। हाँ जालिम यार पूना तो लेके आया है, कोई नहीं क्या ले क्या पच के, मैं ना वर्का लेके आता हूँ पूना ने मुझे मिला भाई, सीधी बात है। तो ये है जी हमारा वर्का, इसके अंदर रोटियाँ बार बार पहले क्या अग बन दे अग बुझ गई की मतलब वो तो जरा किया जाएगा पाथी का फूका इनका मार ले आने पाइदे पा और पाथी से एक लग रहा है ना, इस तरह ही पाथियां जलती हैं, जिससे मर्जी पूछ लेना। ये देखना अब इसके अंदर ये देखो ये पाथी का कोला हुआ हुआ है, देखी रोटियां हमारी बन चुकी हैं, ये दो मेरी रोटियां और सालन हमारा आ गया, मैं और ऐसन बैठ के खाएंगे जी, हम दोनों बैठ के ऐसे खाएंगे रोटी
कैमरा मैन थोड़ा फोकस करे पकड़ के मोबाइल को। सालन है जी हमारे पास, बैंगन का सालन है, आलू बैंगन। और मैं और राशन भाई रोटी खा रहे हैं, हमने आके ऊपर ही बनाई है रोटी। मक्खन बुला यार? नहीं मक्खन नहीं, इसके साथ ही यार। हाँ काली रात, वहाँ रात भी जा रही है, उसके ऊपर भी चाय हो सकता बनाए, हो सकते हैं। बंद कर दे।